Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Opa, kutte. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज है 12 रबीउल, तो हम घूमते घुमाते पहाड़ियाँ देखने निकले थे, तो अब आ गए हम इतने इतने बड़े पहाड़ देखने। इस टाइम हम ना पहुँच गए कलर पहाड़, तो ये देख सकते हैं आप ये पहाड़ और इनके ऊपर हुआ कलर। तो साथ है मोहसिन भाई, भाई हसीब और ये मियाँ साहब, और ये सामने का व्यू चेक करें आप, कितना खूबसूरत जगह है। पहाड़ माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फबारी हो जाए इंशाल्लाह। नहीं ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोहसिन भाई, और ये हम जिंदगी के एक रिकॉर्ड है कि हमने इकट्ठे रहना आगे देखें क्या क्या खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे। अरे बहुत प्यारी जगह है जहां हम जा रहे हैं। तो ये मैंने वीडियो में देखा है, मगर मैं भी नहीं गया, पहली दफ़ा बस फर्स्ट जा रहा हूं। ये मियाँ साहब उन्होंने कहा कि यार वो जगह देखनी जहां बर्फबारी होती है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, मैंने भी नहीं देखी। और अभी 3 घंटे तक हम पहुँच जाना है इंशाल्लाह, और फिर उधर जाके नमाज पढ़ेंगे मगरब। मुझे तो नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम इन जगह पर आ रहा हूँ। तो मियाँ साहब आपको जिस जगह पर भी आ जाए, हमने जाना है चुआ सर कलर का से गुजर के इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। इस्लामाबाद से फिर हम जाएंगे नरान कगान मालन जबा बाबूसा टॉप, हम उधर से वापस आएंगे, फिर हम जाएंगे स्वाद मालन जबा। ना सुबह 11 बजे निकले, तो अभी टाइम हो रहा है 2:20 का, तो अभी कोई नहीं पता। अभी हम कलड़ का हार हैं, इसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद के आगे कोई नहीं पता। कलड़ का हार से ना सफ़र करते करते इस्लामाबाद पहुंच गए, तो इस्लामाबाद के पहाड़ भी आ गए। तो अभी गाड़ी में बस सफ़र ही होता जा रहा, कहीं रुकेंगे तो फिर ही दिखाऊँगा आपको। वेलकम टू स्वाद। बस जा ही जा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ किस जगह जाना है। हम जा रहे हैं स्वाद सर के नाम है मालन जब्बा, 160 किलोमीटर साइड हो रहा है मालन जब्बा। और बताइए सलाम, 1.5 घंटा लगना था बहुत से चले हैं। तो तब के गाड़ी में बैठे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस रास्ते में थोड़ी देर रुके थे तो उधर से जूस वगैरह पिया। उसके बाद नॉन स्टॉप गाड़ी चली जा रही है। अब इधर ना पंप है और ये ढाबा एक आया, तो इधर अब खाना खाएंगे। और इधर ये सामने का व्यू देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है सारी साइड। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आगे पता नहीं किधर जाना, क्योंकि हम पहले प्लान बनाते थे कि इधर जाएंगे, फिर उससे आगे। अभी कोई पता नहीं, पेट्रोल भरवाना है और फिर कहीं आगे। अभी हम ना थोड़ी देर रुके इधर खाना वगैरह खाने के लिए, फिर उसके आगे कोई पता नहीं। तो खाना वगैरह खा लिया, तो अब ना मैंने एक लिया पैटिस और एक इधर से लेनी है मैंने बोतल, ये बिग एप्पल छोटी। बैकग्राउंड का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है।
टूल प्लाजा के जो कार्ड होते हैं ना, तो ये दिखा कर आगे जा सकते हैं। ये हमने मोटरवे से मिला था, हम वापस करके पैसे देंगे इसको। ये ऊपर किला बाप देर आ गए। नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते 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 हम पहुंच गए मालम जगह। तो ये एक बस इधर बोर्ड है, आगे रास्ता बंद है। ये हम मालम जबा पहुंच गए। तो ये इधर पीसी होटल है, बस अभी रास्ता बंद है। ऊपर से हम ना टी शर्टें पहन कर आए हैं, बाकी लोन वगैरह के सूट पहन कर आए हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था। बाहर अभी बोला आज के दिन तो इधर सर्दी लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा। साहब ये हमें लेकर आए इधर, ड्राइविंग भी यही कर रहे थे, तो यही बताएंगे कितनी देर लगे हम इधर आने के। 7 घंटे लगे, 7 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने पर। रास्ते में ठहर के आए हैं, ठहर कर देख दो जगह बैठा रहे हैं ना। अच्छा वो तो वैसे ही स्टे किया ना। ये साथ में आया चेयर लिफ्ट, अभी वो लोग कह रहे थे कि बर्फबारी हो रही है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं। अभी तो हम सीन देखने आए थे बर्फबारी के, बर्फबारी होती होगी तो हम उधर एंजॉय करेंगे टी शर्ट पहन कर, तो खैर नहीं हो रही। ये देखे मोहसिन भाई की हालत अब। नारायण का गांव चले जाते हैं और बाबूसा टॉप पे अभी बर्फ है, बर्फबारी हो रही है। और यहाँ पे जो है ये बच्चे हंस रहे हैं अभी के मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने उसको कहा था उधर बर्फबारी हो रही है, मगर उधर बर्फबारी नहीं हो रही। तो अभी हम जाने लगे वापस, अभी जाएंगे 2-3 घंटे के अंदर इंशाल्लाह और इस्लामाबाद ठहरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये पीसी का रूम क्या नाइट है, क्या चार्जेस है इधर के पीसी का बता सकते हैं? नाइट के कितने चार्जेस हैं पीसी? ये पीसी का जो है ना जो सबसे जीरो कमरे वो 30,000 पर है, एक रात के। एक रात का 30,000? 30,000। और जब आगे जाने तो आगे 1,000 रुपये एंट्री है। कितने? 1,000। 1,000 रुपये एंट्री, उसके अलावा एंट्री अलावा। सुन रहे यहाँ फिर 30,000 रुपया एक नाइट का, तो इधर से बस एंट्री का ही खाली 1,000 रुपया लगेना। तो खैर अभी नीचे चलते हैं, नीचे काफ़ी ज़्यादा होटल है, उधर जाकर ठहरते हैं। मालूम जब ऐसे ना हम अब नीचे वापस जा रहे हैं। इधर एक होटल देखा तो सोचा रुक ले। अभी ना खान भाई हमें ना कमरा दिखाने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं फिर हम रेट बताएंगे, पहले आप कमरा विजिट कर लें उसके बाद। ये कमरा ही बहुत है फिर हमें, एक कमरे में 4 बेड। इधर से ना अगर तो हम इधर ठहरे तो इधर का व्यू बाद में देखते हैं। किधर पानी गर्म आ रहा है? ये वॉशरूम। अब इसका क्या है? एक ही बात कर दे। हाँ एक ही बात, इसका सीलिंग 3,000 रुपये। इसका 3,000? तीन हजार का था आते हुए, फिर 2,500 बाहर निकलने लगे हैं ना, तो 2,000 रुपये उन्होंने कर दिए। मालूम जब ऐसे हम वापस आ गए हैं पोपट, तो अब हम आ गए हैं स्वात। आई लव स्वात।
तो अभी ना हम होटल पर या अभी एक और होटल पर रुके हैं, वो ऊपर वाला तो फारिग थे, इधर फिर भी कुछ खाने को भी मिलेगा, इधर तो खाने को भी मिल जाएगा और देखने में भी अच्छा। वो भाई वगैरह पता करने गए हैं क्या रेट है, उधर रेट तो बस सही है पर उधर खाने का मसला था, खाने में क्या मिलता क्या नहीं मिलता, क्या तो रेट मिल जाएगा पर उधर कोई सीन नहीं था इस तरह का। ओ भाई कुत्ते। तो अपना हम मैरिनेट होटल बुक करवा दिया, कमरे जो भी है तो रहन सहन खाना वगैरह, तो अब हम ना अंदर चलते हैं। तो ये था फैमिली हॉल, तो इधर तो नहीं हम बैठ रहे, उन्होंने कहा अगर इधर खाना खाना है ना तो इधर खा ले, नहीं तो अपने रूम में जाकर भी आप खा सकते हैं। तो हम ना अब ऊपर जा रहे हैं, भाई बता रहे हैं कि ऊपर ना इससे अच्छे डेकोरेट ऊपर है, तो आप ऊपर जाएं टेरेस पे बैठते हैं ऊपर, ठीक है ठीक हो गया। तो वो चलते हैं टेरेस पर, टेरेस पर ना इससे अच्छा है। और भाई लोग ना वो करवा कर आ जाएंगे, तो मैं मौसी और मियां साहब ऊपर जाकर ना टेरेस देखते, तो अब आराम करना क्योंकि हम सुबह 11 बजे के निकले, ट्रैवल करी जा रहे हैं नॉन स्टॉप, बस एक जगह पर बस रुके हैं और खाना खाया हमने, तो उसके बाद नहीं रुके, तो अब इधर आए हैं, तो इधर का व्यू भी आपको माशाल्लाह चेक कराते हैं। ये इधर इधर से आए हम, जब ऊपर से नीचे आ रहे थे ना तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मूड ऑफ था, कि इतनी दूर गए हैं मालिक जब आप बड़ा नाम सुना था पर कुछ भी नहीं है, वो कह रहे हैं जब बर्फबारी होती है ना तो तब ओके होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो अभी हम ना आज रात इधर स्टे करेंगे, सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ कर ना लाहौर की तरफ। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं नीचे से पहाड़ पर, कैमरे में ना इतना क्लियरली नज़र नहीं आएगा, वो ऊपर से घूम रहे हैं, तो अभी हम ना फिलहाल इधर बैठे हैं, ये व्यू है ऊपर का। खाना वगैरह ना बाद में खाते हैं, अभी ना उन्हें ऑर्डर देकर ना नीचे आ गए, वॉशरूम वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे ना, तो उससे पहले ना मैं आपको कमरा चेक करा देता हूँ। तो कमरा ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 बंदा नीचे, और एक इधर के बैठ गए हैं ना वो कमाल के, इतना ज़्यादा थके हुए ना हम तो कमाल की नहीं रहेगी। पहले तो हमने डिसाइड किया था कि ऊपर टेरेस में बैठकर खाना खाएंगे, पर अब ना हम नीचे आ गए, सर्दी कुछ ज़्यादा, तो हमने टी शर्टें और कॉटन के सूट पहने, इसलिए नीचे खाना खाएंगे। ये कढ़ाई भी आ गई और चारी कढ़ाई भी आ गई, तो अभी बारबेक्यू का अभी सामान आना तो वो हम खाएंगे बारबेक्यू और साथ कढ़ाई, तो बाकी अब जाकर ना कमरे में मिलते हैं क्योंकि भूख बड़ी हैवी किस्म की लगी है, तो खाना खाते हैं सुकून से।